हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर से आपका गौरव भैया क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये टॉपिक आसान कवर करना आसान काम नहीं है, लेकिन आज हम ट्रिक के साथ इसके वर्डों को याद करने की कोशिश करेंगे और एग्जाम के लिए अपना एक नंबर पक्का करेंगे। टॉपिक का नाम है फल वे सब्जी में रंग वे स्वाद के रासायनिक कारक। यानी कि जैसे कि हमसे पूछ ले खीरा कड़वा लगता है क्यों, मिर्च का रंग लाल होता है क्यों, पपीता पीला होता है क्यों, समझ गए? कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए या जिनके आने की संभावना है वो मैं लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा मेहनत का टॉपिक है, लंबा भी हो सकता है, लेकिन मेरा साथ दीजिएगा, पूरे एंजॉय के साथ पढ़िएगा। जरा पहला टॉपिक देखिए, दूध में पीलापन। तो पीला दूध कहां रख के आता? कैरेट में। कैरेट आते हैं ना, जिसमें 24 पैकेट या 16 पैकेट इस तरीके से रखे हुए आते हैं, 24 पैकेट। तो दूध का जो पीला दूध है, पीला दूध किसमें रखे आता? कैरेट में। तो कैरोटीन पीला दूध किसमें रखे आता? कैरेट में। अब कैरेट में तीन चीज आती है, तो पीला दूध आता एक नारंगी गाजर, नारंगी रंग वाली गाजर, लाल वाली नहीं, नारंगी। कैरेट में तीन चीजें रखी जाती हैं, पीला दूध पीला लहसुन और नारंगी गाजर। तीनों चीजें कहां रखी जाती है? कैरेट में। कैरेट में कितनी चीज रखी जाती है? तीन। कैरेट में कितनी चीज रखी जाती है? कैरेट मतलब कैरोटीन। कैरोटीन कौन कौन सी चीज, तीन चीज रखी जाती है कैरोटीन में? पीला दूध, तो दूध का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। लहसुन का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। लहसुन का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। तो तीन पीली चीजें या दो पीली चीज एक नारंगी चीज कह सकते हैं हम। कौन कौन सी? दूध लहसुन दोनों का पीलापन कैरोटीन के कारण है, गाजर का नारंगी होना कैरोटीन के कारण है। तो तीन चीजें कवर हुई, आगे चलते हैं। दूध का सफेद रंग, अगर सफेद दूध पीना है तो क्या कैस का सीन है सारा? कैस दोगे तो सीन बन जाएगा, सफेद दूध मिल जाएगा। तो सफेद दूध पीना किसका सीन है सारा? कैस का सीन है, कैस का सीन है सारा सीन किसका? अगर सफेद दूध पीना कैस का, सारा सीन किसका? अगर सफेद दूध पीना कैस का है। लहसुन में पीलापन बता ही चुका, लहसुन का पीलापन और दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण। मिर्च का लाल रंग, ध्यान रखना मिर्च अगर आ जाए तो मिर्च के ऊपर टोटली सी होती है, उसे कहते हैं कैप हटाएंगे सबसे पहले। देखो जरा, मिर्च के दो क्वेश्चन होंगे, मिर्च में तीखापन और मिर्च का लाल रंग, दोनों मिर्च सही है। तो मिर्च के शुरू में देखो दोनों में क्या रहा? कैप। दोनों में क्या रहा? कैप से। तो अगर मिर्च का लाल रंग पूछा तो कैप से थीन, कैप हटाओ मिर्च का और थीन लाल रंग के लिए। अगर लाल मिर्च की बात कर रहा, मिर्च लाल क्यों होती है? तो कैप से थीन, कैप से क्या हटा दो? थीन हटा दो, कैप से क्या हटा दो? थीन। और मिर्च चटपटी क्यों होती है? मिर्च चटपटी क्यों होती है? उसके लिए देख, कैप से सीन, वो क्या है? सीन बना देगी, चटपटी मिर्च खाती सीन बना देगी, बिल्कुल क्या कर देगी? तो मिर्च का लाल रंग कैप से थीन हटाओ, थीन कैप से थीन हटाओ लाल रंग के लिए। और अगर चटपटाहट का मजा लेना तो कैप से सीन हटाओ, सीन कैप से सीन। आगे चलते हैं बेटा, मिर्च का और प्याज का लाल रंग, देखो ये तो मिर्च का तो हो गया, प्याज और गाजर दोनों एक पे ही है, प्याज और गाजर में लाल रंग। मिर्च का लाल रंग मैंने बताया, मिर्च जहां गया तो कैप हटाओ, और लाल तो थीन, और अगर चटपटी है तो सीन बनाएगी। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं प्याज और गाजर की, प्याज कैसी होती है, लाल या गुलाबी? गाजर नारंगी या लाल? नारंगी बता चुका, नारंगी क्या बताया था? कैरेट में रखी आएगी तो कैरोटीन। अब बात कर रहा हूं लाल गाजर, लाल प्याज, लाल गाजर और लाल प्याज दोनों का जरा देखिए, बेहतरीन तरीका साइन होंगे, जरा कौन करेगा, जरा देखो एंथोनी क्या करेगा, साइन कर देगा। ये लाल चीजें कब आएंगी, गाजर लाल या प्याज लाल, जब एंथोनी साइन कर देगा, जब एंथोनी साइन कर देगा। देखो गाजर और प्याज लाल कब आएंगी, जब एंथोनी साइन कर देगा। गाजर और प्याज लाल कब आएंगी, जब एंथोनी साइन कर देगा। गाजर और प्याज लाल कब आएंगी, जब एंथोनी साइन कर देगा। एंथोनी किस किस पे साइन करेगा? गाजर और प्याज को लाल करने पे एंथोनी। और एक जगह और साइन होंगे, दो जगह साइन हो गए लाल रंग के हैं, एक जगह होंगे, दो जगह एंथोनी ने साइन करे गाजर पे और प्याज पे। एक जगह और देखो
साइन होंगे, कहां होंगे? पर यहां पे चकुंदर, चकुंदर भी लाल होती है, गाजर लाल, प्याज लाल, चकुंदर लाल, यहां दोनों के लिए गाजर और प्याज के लिए एंथोनी साइन कर रहा है, और चकुंदर के लिए कौन साइन कर देगा? बीटा साइनिन, बीटा साइन करेगा वहां पे। चकुंदर के लिए कौन करेगा? बीटा। चकुंदर के लिए साइन कौन करेगा? बीटा। चकुंदर के लिए साइन कौन करेगा? बीटा करेगा। आगे चलते हैं, गाजर में नारंगी हो गया, टमाटर में लाल रंग। नेता अगर झूठ बोले तो साले में टमाटर मारे, ऐसे कहते हैं, नेता अगर झूठ बोले तो टमाटर मारो, नेता झूठ बोले तो टमाटर। तो झूठ बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाई। क्या कहते हैं? लाई। तो देखो लाई को पिन, लाई को पिन, लाई बोल रहा उसके पीछे पिन चुबा दो, 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 ठीक है। आंवले में कैसलापन, आंवला, आंवला, आंवला विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत आंवला, तो आंवले कितने खाएंगे? चेक, क्या लग रहा हो? चाहे कितना ही कैसलापन लग रहा हो पर कितने खाएंगे? 10। कितने खाएंगे? 10। आंवले कितने खाएंगे? 10। तो 10 से बन गया टैनिन, 10 से बन गया टैनिन। लाई, लाई कौन बोलता है? टमाटर मारो, जो लाई बोलता है उस पर क्या मारो? टमाटर। टैनिन, 10 बार क्या खाएंगे? आंवला, चाहे वो कितना ही कैसलापन, कैसलापन मतलब भुरभुरा सा जो लगता है वो। तेल का पीला रंग, तेल से मिलेगा क्या? देखो विटामिन, विटामिन दूध से मिलता, कैल्शियम दूध से मिलता, ये पागल हो गए, ये तेल से कैल्शियम, तेल का पीला रंग कैल्शियम ऑक्सेट, ऑक्सेट कैल्शियम ऑक्सेट, तो तेल का पीला रंग का क्या कारण है? कैल्शियम, और कैल्शियम के साथ ऑक्सेट, आग में हाथ से ऑक्सेट, ऑक्सेट, तो तेल का पीला रंग, तेल का पीला रंग कैल्शियम, कैल्शियम तेल का पीला रंग कैल्शियम, ऑक्सेट, 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 ऑक्सेट। बादाम में कड़वाहट, एक बात बताओ, गाड़ी में पेट्रोल डलता चलने के लिए, हमारे पेट में भोजन डलता चलने के लिए, मोबी आयल क्यों डलता गाड़ी में? मोबी आयल क्यों डलता? माइलेज के लिए, तो हमारी खोपड़ी को माइलेज के लिए क्या खाते हैं? बादाम। तो जरा देखो, बादाम में कड़वाहट, माइलेज, माइलेज यानी कि माइलेडीन, 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 माइले, माइलेडीन, माइलेडीन, माइले डील हो गई, बादाम दे तू मुझे, माइले डील हो गई, ए माइल, ए माइले डीन, एम आईले डीन। मिर्च में तीखापन मैंने बताया, मिर्च लाल, कैप हटाओ और थीन बनाओ, और मिर्च चटपटी, कैप हटाओ सीन बनाओ, तो कैप से सीन, कैप से सीन। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ रही होगी, आगे चलते हैं। लहसुन और प्याज दोनों में तीखापन लगती है, थोड़ा मिर्च तीखापन सा लहसुन में भी प्याज में भी, दोनों का क्या है? अपना एक प्रोफाइल है, दोनों का अपना क्या है? प्रोफाइल। और कैसा प्रोफाइल है? दोनों को कितना ही टाइम हो रहा है लेकिन आजकल के जवान लगते हैं डाई करके सिर पे, क्या करते हैं? तो प्रोफाइल किस किस की है? प्रोफाइल है लहसुन की और प्याज की, प्रोफाइल किस किस की है? लहसुन की और प्याज की। अब आप क्योंकि लहसुन दोबारा आ गया, वहां पे था लहसुन का पीलापन, पीलापन किससे था? कैरेट, पीला लहसुन कैरेट में, पीला लहसुन कैरेट में, पीला लहसुन कहां है? पीला लहसुन कैरेट में रख के आएगा पीला लहसुन, और ये क्या? लहसुन का तीखापन। तो लहसुन और प्याज का तीखापन, प्याज वहां पे क्या थी? लाल। प्याज लाल कैसे होती? जब एंथोनी साइन करता है, एंथोनी साइन करता है, यहां पे प्याज का तीखापन, तीखापन किससे होता है? तीखापन होता है प्रोफाइल का, क्या प्रोफाइल? बहुत हाई पाई है, डाई लगा के क्या करते हैं? सल्फाइड। 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 आगे देखो जरा, खीरे में कड़वाहट, खीरा कड़वा, खीरे को कुकर में बनाते हैं, कुकर बीटासीन, कुकर बीटासीन, खीरे को कैसे बनाते हैं? कुकर बीटासीन, कुकर बीटासीन, खीरा, खीरा किसमें बनाते हैं? कुकर में, कुकर बीटासीन, खीरा कुकर बीटासीन, खीरा कुकर बीटासीन, खीरा कुकर में, कुकर बीटासीन, खीरा। मूली में तीखापन, मूली में आई स्वेयर मूली तीखी थी, किसकी? साई, साई के नेट से पूछा मैंने, आई स्वेयर साई के नेट ने बताया मूली तीखी है, मूली तीखी किसने बताया? आई सो साई नेट, साई के नेट ने, आई स्वेयर साई के नेट ने बताया मूली तीखी है, आई स्वेयर साई के नेट ने बताया, साई नेट, आई स्वेयर, आई सो साइनाइट, आई सो साइनाइट, आई स्वेयर साई के नेट ने बताया मूली तीखी है, आई स्वेयर साई के नेट ने बताया मूली तीखी है, आई स्वेयर साई के नेट ने बताया मूली तीखी है। लहसुन में गंध, लहसुन में गंध मार रही है, इसका LIC बीमा करा दो नहीं खराब हो जाएगा, लहसुन में बदबू मार रही है। देखो लहसुन का तीसरा क्वेश्चन है, लहसुन का पहला है पीलापन, मैंने बताया पीला लहसुन कैरेट में, पीला लहसुन कैरेट में। दूसरा है लहसुन का तीखापन, मैंने बताया लहसुन का अपना प्रोफाइल है, लहसुन का अपना प्रोफाइल है, क्या? डाई करेंगे और सल्फाइड, और सल्फाइड। अब तीसरा क्या आया? लहसुन का कहां गया? लहसुन में गंध, गंध मतलब बदबू मार रही है, बदबू मार रही है मतलब सड़ने वाला, सड़ने वाला, तो क्या करो? LIC बीमा, LIC, LIC, और पीछे नया लग जाएगा बस, LIC, LIC, LIC।
पपीते का पीला रंग कैरी का जैंथिन, पपीता पीला हो गया कौन खा गया जैंथिन, कैरी का जैंथिन, पपीते का पीला रंग कौन है पपीते का कैरी का जैंथिन, पपीते का पीला रंग कैरी का जैंथिन, पपीते का पीला रंग कैरी का जैंथिन। हल्दी में पीला रंग, हल्दी किसकी तरह लगती है अगर हल्दी को ना पीसो और गांठ लाते हैं जब तो कैसी होती है कुरकुरे की तरह, तो हल्दी पीली तो है पर किसकी तरह कुरकुरे कहने की हल्दी कुरकुमीन, कुरकुमीन किसकी तरह कुरकुरे की तरह, व्हाट डू यू मीन तो कुरकुरे मीन कुरकुमीन कुरकुमीन हल्दी कुरकुरे की तरह, आप कहते हो भैया व्हाट डू यू मीन आपका क्या मतलब है तो कुरकुमीन 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 कुरकुमीन। आगे चलते हैं करेले में कड़वाहट, करेला मोम देगी मोम, मोम दी कोसाइट, कोसाइट मम्मी इससे तो सोसाइट कर लूं क्या सोसाइट, सो साइड को साइड को साइड को साइड, करेला जब मम्मी दे तो मम्मी को सो मम्मी को साइड मम्मी को, तो मोमो डी को साइड, मोमो डी को साइड मम्मी को साइड मम्मी को, यानी कि ममो डी को साइड मम्मी डी को साइड मम्मी डी को ममो डी को साइड कर दिया। प्याज में पीला रंग, प्याज का लाल आ गया, लाल प्याज और लाल लाल प्याज और एक और चीज थी लाल लाल गाजर, दोनों क्या थे एंथोनी साइन कर रहा था, लेकिन यहां प्याज कैसी आ गई पीली पीली क्यूरे क्यूरेस्टिन क्यूरेस्टिन। अब इस बात को समझो, प्याज चाहे पीली हो चाहे काली हो चाहे लाल हो, जब प्याज के रेट बढ़ जाते हैं तो खाने की क्यूरेसिटी भी बढ़ जाती है, पर कौन सी वाली प्याज को पीली वाली प्याज को, खाने की क्यूरेसिटी 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 बस नया लग जाएगा पीछे क्यूरेसिटीन, क्यूरेसिटी बढ़ जाती है कौन सी प्याज को खाने की पीली प्याज को, क्यूरेसिटी क्यूरेसिटी बढ़ जाती है किसको खाने की पीली प्याज को खाने की, क्यूरेसिटी बढ़ जाती है किसको खाने की पीली प्याज को, चकुंदर का बताया था बिटोसाइनिन बिटोसाइनिनसिस। आलू का हरा रंग, आलू 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 क्या है आलू की चिप्स खाएंगे सोले पिक्चर देखते हैं, तो आलू का हरा रंग सोले पिक्चर को देख के सोले नींद, आलू का हरा रंग आलू खाएंगे सोले पिक्चर देख के, आलू के चिप्स हरे वाले कौन सी पिक्चर देख के सोले नींद। मुद्र का पीला रंग, ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार आया, यूरोक्रोम यूरोक्रोम कैसे बनता है, जब खून के अंदर से फिल्टर होकर पानी बनता है ना, तो वो पानी की स्पीड जब बढ़ने लगती है तो यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ जाती है, तो मुद्र का पीला रंग, मुद्र का पीला रंग किसके कारण होता है यूरोक्रोम के कारण, मुद्र का पीला रंग किसके कारण होता है यूरोक्रोम के कारण, मुद्र का पीला रंग किसके कारण होता है यूरोक्रोम के कारण। बेटा ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, इसी टाइप का था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, वैसे टॉपिक जो था वो फल सब्जी खाने पीने की चीजों पे था, लेकिन यहाँ पे भी लिख दिया मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया यूरोक्रोम यूरोक्रोम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पूरी कोशिश करिए इनकी ट्रिक से बनाने की, वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और खुद से क्वेश्चन पूछने की करें। कल मैं आपके एक टेस्ट की घोषणा करूंगा, आपको टॉपिक बता दूंगा, अब से आपके फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी हुआ करेंगे 50 क्वेश्चन के हर 2 या 3 दिन बाद, आपको टॉपिक बता दिया करेंगे ये 4 या 5 टॉपिक, क्योंकि टॉपिक भी हमारे लगभग 35-40 टॉपिक हो गए हैं सारे अगर मिला लिए जाए तो, अब उनकी बारी बारी से टेस्ट भी चालू हो जाएंगे। मैं आपको बता दिया करूंगा ये 5 टॉपिक, तो ये 5 टॉपिक मतलब 5 टॉपिक हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपका एग्जाम। अब आप कहोगे एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन आपके मोबाइल पे, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा उस पर आप क्लिक करेंगे, उस पर जो खुलेगा उस पर आपको लगभग जीएस के लिए मैं दिया करूंगा 50 क्वेश्चनों के लिए 25 मिनट। अगर आप कहोगे तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसमें टाइमिंग ऊपर नीचे कर लूंगा, उसमें आपको 25 मिनट मिला करेंगे जीएस के टेस्ट में और मैथ के टेस्ट में थोड़ा अप कर देंगे, रीजनिंग के टेस्ट में थोड़ा टाइमिंग को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मुझे कमेंट जरूर करना व्हाट्सएप पे, खास तौर से मेरा नंबर आपके पास है तो मुझे भेजे आप टेस्ट के लिए रेडी है या नहीं, क्योंकि जिस जिस बच्चे जो जो बच्चा रेडी है उसी हिसाब से उसको एक पासवर्ड बना के देना होगा, उसी के बाद आप उसे लॉग इन कर पाओगे। धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।